हेलो गाइस, आई एम नितिन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी क्लब। तो गाइस, हम लेके आ गए अपनी नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? देखिए, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है छागरी प्रवीण कुमार, इनको नियुक्त किया गया है। अब हम इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो हाईकोर्ट बन रहा है वो 25th नंबर का हाईकोर्ट होगा इंडिया का। अभी तक 24 थे, अब 25 हो जाएंगे। ये हाईकोर्ट कहाँ बन रहा है? आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी अमरावती, वहाँ बन रहा है। ठीक है, और ये 25th नंबर का हाईकोर्ट होगा। अब देखिए और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित अमरावती है। ठीक है, अभी हैदराबाद ही है। इसके बाद CM कौन है वहाँ के? सी चंद्रबाबू, मतलब चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हन। और जो अब देखिए तेलंगाना, और पहले पहले क्या था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का हाईकोर्ट कहाँ था? हैदराबाद में था। लेकिन अब क्या हो गया, तेलंगाना का हाईकोर्ट हैदराबाद में हो गया और आंध्र प्रदेश का कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश का बन गया अमरावती में। तो हमें ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाल ही में बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता? तो इनका इसका आंसर है लुका मॉड्रिक। देखिए ये है लुका मॉड्रिक, आंसर बी है इसका। ठीक है, लुका मॉड्रिक, इन्होंने बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का ईयर 2018 टाइटल जीता है। ठीक है, ये है लुका मॉड्रिक, तो हम इनका नाम ध्यान रख रहे हैं, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 टाइटल किसने जीता? लुका मॉड्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में 42वें सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर इज द रिसेंट 42nd इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस बीन इनॉग्रेटेड? देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, नन ऑफ द अबव। आंसर इसका भुवनेश्वर। अब मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले बाल विज्ञान कांग्रेस का भी उद्घाटन भुवनेश्वर में ही हुआ था और ये हुआ है भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस। तो हमें दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, बाल विज्ञान कांग्रेस और सामाजिक विज्ञान कांग्रेस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का आने वाले एग्जाम्स में आ सकेगा, आ जाएगा, पक्का चांसेस है उसके आने के। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, ये इसका पोस्टर है, ध्यान रखना है भुवनेश्वर। अब ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अपने। हाल ही में 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में पांडा बॉन्ड जारी करने की घोषणा किस देश ने की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द रिलीज ऑफ पांडा बॉन्ड्स? देखिए इसका सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली पांडा बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, और ये इसने क्यों की है? जो चाइना की करेंसी है, ठीक है, चाइना की करेंसी पर आधारित पांडा बॉन्ड जारी किया है ताकि ये जो चाइना के पूंजी बाजार है वहां से ऋण उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो इसलिए इसने पांडा बॉन्ड जारी किया है। तो हमें मेन चीज इतना ध्यान रखना है कि पांडा बॉन्ड किसने जारी किया है, पाकिस्तान ने, और चाइना बेस्ड करेंसी पे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो देखिए ऊंट उत्सव, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, तो हमारे पास जैसे ऊंट उत्सव तो हमारे दिमाग में आता है वैसे भी राजस्थान, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है ज्यादा, तो बीकानेर। इसका आंसर बीकानेर है, हमें ध्यान रखना है बीकानेर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस बैंक में 2159 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट रेट 2159 करोड़ इन द बैंक। तो इसका आंसर है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने अभी किसमें? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2159 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। और अब देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके
सीईओ कौन है? इसके सीईओ है अशोक कुमार, ठीक है, नाम ध्यान रखना है अशोक कुमार, और हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2017-18 में कौन सा पीएसयू शीर्ष पर रहा? हु विच पीएसयू हैज बीन एट द टॉप ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग सर्वे इन द ईयर 2017-18। अब हमें ध्यान रखना है कि पीएसयू सर्वे में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है इंडियन ऑयल। अब बात आती है पीएसयू, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किसने टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका आंसर सबसे पहले देखते हैं, इसका आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द टोल फ्री हेल्पलाइन। तो आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया। अब ये भी पता होना चाहिए इसका टोल फ्री नंबर क्या है, तो इसका टोल फ्री नंबर जो है 144-33, मतलब 144-33 है इसका जो टोल फ्री नंबर है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका टोल फ्री नंबर क्या है। और इसके साथ ही अब मानवाधिकार आयोग की बात आई, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SECL का CMD किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड CMD ऑफ SECL। SECL का CMD किसे नियुक्त किया गया? अब सबसे पहले SECL का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्या? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसका CMD किसे बनाया गया है? इसका आंसर है हमारा अंबिका प्रसाद सी, इन्हें अंबिका प्रसाद को इसका CMD बनाया गया, नया CMD, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? वेयर विल द नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप बी हेल्ड रिसेंटली? तो इसका आंसर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित होगी। तो गाइस ये था हमारा 30 दिसंबर का करंट अफेयर्स का वीडियो। अब हम देखेंगे एक वो क्वेश्चन जो आपके लिए है, और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। गाइस आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, और मतलब जितना भी डिटेल में हो सके उतना डिटेल में आप आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक की भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी है? आपके पास चार ऑप्शन है, शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन 18, राजधानी एक्सप्रेस, नन ऑफ दी अबव। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है गाइस। इसी के साथ ही ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग तक ये पहुंच सके। और गाइज आप लाइक करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं आपको और अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा पाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।